फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के ओप्पो A8 स्मार्टफोन के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है फ्रेंड्स, आज ही ऑफिशियल हो गया है ओप्पो की तरफ से, और ये चाइना में जो है यानी कि बिकना जो है वो शुरू भी हो गया, और आज से प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है ओप्पो A8 की चाइना के अंदर। उसकी कुछ प्राइसिंग में हमें मालूम चली चाइना के अंदर क्या रखी गई है और पाकिस्तान में क्या एक्सपेक्ट की जा रही है। आपको बता दूँ ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान में जल्दी देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A8 की पूरी स्पेक्स के बारे में, पाकिस्तान में क्या प्राइस हो सकती है, कब देखने को मिल सकता है पाकिस्तान में, सारी बातें करने वाले हैं ओप्पो के ओप्पो A8 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान सलीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहुटेकी। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले ओप्पो के ओप्पो A8 की थोड़ी बहुत स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, क्विक स्पेक्स को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आखिर जो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है चाइना के अंदर ये कब पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, और मेरा क्या ख्याल है अगर पाकिस्तान में आता है किस प्राइस टैग पर आता है, किस प्राइस टैग पर आपको लेना चाहिए स्मार्टफोन को, क्या सूटेबल होगा या नहीं, ये सारी बातें करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं स्पेक्स की। फ्रेंड्स, इसके अलावा दो कलर देखने को मिल जाते हैं, एक तो है ग्रीन है और सेकेंड है ब्लैक। बता दूं दोस्तों, इस स्मार्टफोन की जो है बजट यानी कि प्राइस टैग काफ़ी कम है, यानी कि ओप्पो के जो स्मार्टफोन है वो मालूम है काफ़ी यानी कि महंगे स्मार्टफोन रहते हैं मिड रेंज में भी, बट ये जो स्मार्टफोन है इसकी छोटी प्राइस जो है ओप्पो ने कम रखी है, तो उसी की वजह से इस स्मार्टफोन के अंदर कोई भी मेटल का यानी कि मटेरियल देखने को नहीं मिल रहा, इसके अंदर प्लास्टिक को यूज़ किया गया है। यही मेन वजह है कि इस स्मार्टफोन की जो वैल्यू है थोड़ी कम है, यानी कि प्राइस टैग थोड़ा कम है, और मेरे हिसाब से जो इसकी स्पेक्स है ये काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में, इसके लगा है IPS LCD के साथ में आता है इसका डिस्प्ले जो कि है 6.5 इंचेस का। फ्रेंड, अगर हम आपको बताऊँ उसके डिस्प्ले टू बॉडी रेशो की, वो है 89%। अगर हम बात करें इसकी रेजोल्यूशन की, वो है फुल HD के साथ में आता है 720x1600 का इसका पिक्सल रेट है। फ्रेंड, अगर हम बात करें इसकी प्रोटेक्शन की डिस्प्ले की, वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में आता है ये स्मार्टफोन। ये तो बात होगी फ्रेंड डिस्प्ले के बारे में। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से GPU एंड CPU के बारे में, इसके अंदर आता है MediaTek का Helio P35 एंड PowerVR का GE8320 के साथ में इसका जो है GPU आता है। फ्रेंड, साथ में हम बात करते हैं इसके कैमरा की भी, इसके अंदर आपको बैक साइड के ऊपर ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाते हैं। जो मेन यानी कि प्राइमरी कैमरा है यानी कि लेंस है वो है 12 मेगापिक्सल का, सेकंड है पोर्ट्रेट कैमरा के लिए 2 मेगापिक्सल का, एंड थर्ड है डेप्थ सेंसिंग के लिए वो भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। फ्रेंड, अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो जो लगा है नॉच के अंदर वो है 8 मेगापिक्सल का। अगर हम बात करें फ्रेंड्स की स्टोरेज एंड रैम के बारे में, इसके अंदर हमको एक पेन देखने को मिलता है जो है 128GB बिल्टन के साथ में आता है 4GB रैम के साथ में। अगर आप चाहें तो उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 256GB तक का मेमोरी कार्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपकी स्मार्टफोन की मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। फ्रेंड, बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, बैटरी भी कोई बुरी नहीं है। मेरे ख्याल में इसकी जो बैटरी है वो 4230mAh की है, यानी कि 4200mAh की इसकी जो बैटरी है, मेरे हिसाब से आज के वक्त के हिसाब से 4200mAh की जो बैटरी है वो काफ़ी ठीक है, कोई इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। माना 5000mAh की भी बैटरी वाले जो स्मार्टफोन आज की डेट में आ रहे हैं वो मैं कहूँगा कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे होंगे, बट ये भी कोई बुरे नहीं है। 4200mAh की जो बैटरी है वो आज की डेट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी मेरे ख्याल में। बात करते हैं कुछ और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 9 के साथ में आता है, एंड्रॉइड पाई के साथ में। अगर हम बात करें अपने ओप्पो के अपने ColorOS की, तो उसके अंदर आज देखने को मिल सकता है ColorOS 6.1, बट आपको मालूम ही होगा अगर आप ओप्पो के फ़ैन हैं तो ओप्पो का ColorOS 7 भी रिसेंटली आया है। अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है और आप सोच रहे हैं कि ColorOS 7 कब आएगा इसके अंदर, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको यानी कि इसकी अपडेट को आने के लिए, और ये भी जो ColorOS 7 भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद में। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको क्विक स्पेक्स बता दी, यानी कि जो जो मेरे पास सारी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके सामने सारी शेयर कर दी है, ये सारी स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं मेन, ये कब पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। फ्रेंड, ये जो चीज़ है जो यानी कि प्रोडक्ट है यानी कि मोबाइल फ़ोन है ओप्पो का ओप्पो A8, ये फिलहाल चाइना में आया है, और चाइना के अंदर ये कुछ प्राइस देखने को मिल जाती है 1200 युआन के आसपास आता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसकी प्राइस टैग को, काफ़ी वेबसाइट अपने अपने यानी कि एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड कर रही है, बट मैं अपनी भी दूंगा इस स्पेक्स को देखते हुए और इस ओप्पो के ब्रांड को नज़र में रखते हुए, और काफ़ी वेबसाइट के ऊपर पता चल रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है 17000, 18000, 19000 के आसपास देखने को मिल सकता है पाकिस्तान में जब ये लॉन्च होगा। बट मेरा ख्याल है कि अगर ओप्पो की हम ब्रांड वैल्यू देखें तो काफ़ी अच्छी है, रियलमी एंड रेडमी से कंपेयर करें तो काफ़ी एक ऊपर प्रीमियम लेवल पर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल रहेगा कि अगर ये जो स्मार्टफोन है 22000 तक भी आता है,
तो कोई बुरी डील नहीं होगी, क्योंकि ओप्पो का जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है, रीसेल वैल्यू भी इस ब्रांड की अच्छी है, क्योंकि इतनी कोई ख़राब नहीं है अगर हम बात करें रेडमी और रियलमी जैसे ब्रांड की। माना वो कम बजट के लिए हमको एक नेक्स्ट लेवल की स्पेक्स देते हैं, मेरे पर्सनली मेरे फैन हूँ दोनों कंपनीज़ का, बट हम बात कर रहे हैं ब्रांड वैल्यू की यहाँ पे, तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ओप्पो अगर ये 22,000 या 21,000 में भी देता है तो हमारे को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पेक्स है काफ़ी अच्छी है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा ये स्मार्टफोन। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का होने वाला है, इसके अंदर जो है सारी चीज़ जो है बहुत नेक्स्ट लेवल की होने वाली, ये सारी सब मीडियम लेवल के ऊपर यानी कि मिड रेंज के अंदर भी बिल्कुल स्टार्टिंग की जो स्मार्टफोन ये देखने को मिलेगा ओप्पो की तरफ से। ये थी फ्रेंड्स सारी बातें, मेरा भी ओपिनियन आपको बताई थी कि अगर 22,000 के रुपये आते हैं ये स्मार्टफोन है काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छी डील रहेगी आप सब दोस्तों के लिए। और ये जो स्मार्टफोन है मेरे ख्याल में ये जल्दी 2 से 3 वीक के अंदर ही हमारे को पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, और जैसे मेरे को इसकी जो कन्फर्म स्पेक्स यानी कि कन्फर्म स्पेक्स मैंने बताई थी, कन्फर्म जैसे मेरे को प्राइस पता चल जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैंशन कर दूँगा, कमेंट भी मैं ऐड कर दूंगा इसके प्राइस टैग के साथ में। फिलहाल जो मेरा ख्याल है वो 22,000 के अंदर आते तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, वैल्यू फॉर मनी हो सकता है मेरे ख्याल में। फ्रेंड्स ये थी वीडियो, ये था मेरा ओपिनियन, ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन ओप्पो A8 की। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आपको इस टाइप की अगर कोई कह रहे हैं स्पैक्स वाली कोई ओपिनियन वाली इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है, यानी कि लॉन्च के फोन बाद कोई भी स्मार्टफोन हो मैं एक वीडियो लेके आ जाए करूँगा, अगर आपको इस टाइप का कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अपना कुछ फीडबैक दे दिया करें, उसके चैनल पर जो है वीडियोज़ के ऊपर कमेंट कर दिया करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि मेरे को मालूम एटलीस्ट चल सके कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस टाइप का जो है मैं कंटेंट को क्रिएट करूँ। फ्रेंड्स बस इसमें फिलहाल इतना ही था, देखने के बहुत सारा शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।